कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, MLA बना दिए हम लोग, अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो MP बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गया कि नहीं, हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गया। अब आजकल क्या बोल रहे हैं भाई, आए कहे कि आए, हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बात ही नहीं कर रहे थे। ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब है इसका प्रचार का मतलब। देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है, तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ कुशवाहा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हमला पर हमला बोलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू का शीर्ष नेतृत्व भी कुशवाहा को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, जिसके बाद आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है। कुशवाहा ने रविवार को पत्र जारी कर जदयू नेताओं की बैठक बुलाने की बात कही थी, जिसके बाद ललन सिंह ने कड़े शब्दों में कुशवाहा की चिट्ठी का जवाब दे दिया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं किसकी भाषा बोल रहे हैं, उनको जहां जाना है वो चले जाए, निर्णय उनके हाथ में है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज बांका में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उपेंद्र कुशवाहा की बैठक को लेकर सवाल किया तो CM नीतीश ने उल्टे जवाब दिए। नीतीश ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ आए तो सब लोगों ने उन्हें खूब आदर दिया था, हम खुद कुशवाहा की काफी इज्जत करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसी भाषा बोलने लगे हैं? 2 महीने के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। इस मामले पर रोज बोलना और उसके प्रचार का मतलब है कि किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो इसका प्रचार हो रहा है। कुशवाहा हमारी पार्टी को छोड़कर 2 बार जा चुके थे, बावजूद इसके तीसरी बार उनको मौका दिया गया है। नीतीश ने BJP का नाम लिए बिना कहा है कि जब किसी का प्रचार हो रहा हो तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और खुद उन्होंने भी पार्टी के सभी लोगों को मना कर दिया है कि कुशवाहा को लेकर कुछ भी नहीं बोलना है। उपेंद्र कुशवाहा को जो करना हो वो करे, जितना बोलना है बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी पहले से काफी मजबूत स्थिति में है और पहले से काफी अधिक संख्या में लोग जदयू में शामिल हुए हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है चले जाएं, उससे पार्टी को कुछ होने वाला नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो सुने आप लोग। काम करे आर्थिक स्थिति यही ना है सर, पिछले दिनों से कई अलग से बैठक बुलाई है, उसमें जदयू सहित तमाम लोगों को आने का निमंत्रण दिया है। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है, आप जानते हैं अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, MLA बना दिए हम लोग, अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो MP बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गया कि नहीं, हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और ऐसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना, हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज, मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज़ को, तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज कहीं कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीजों का भाई, आए कहे के लिए, आए हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बात ही नहीं कर रहे, समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक भाई, ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब है इसका प्रचार का मतलब। देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है, तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा,
तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा था, प्रचार हो रहा है, तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से दो बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, ये बयान दे दिया भाजपा की तरफ से, तो नहीं करवाई जा रही, कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है, जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक समस्या सर यहां के पानी को लेकर, सर जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो, पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था भाई, हम इधर आ गए एक साथ, इधर हो गए तो उसमें साथी था, ऐसा क्या कारण है, क्या हो गया रहे हैं सर, वही पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है, एक बार चिंता मत करिए। हमारे पार्टी को अगर एक बार किसी ने नुकसान किया, जिसके साथ हम आए 17 में दोबारा, और 19 में उनको चुनाव लड़ना था, तब तो ठीक है पार्लियामेंट, उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि भाई कम से कम 3-4 को तो दीजिएगा ना, तो एक के कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं। अब उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे, तो हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा, हम लोग उनको सपोर्ट किए, तो ये सब कहीं आज तक हुआ है, कल होके फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, कुछ नहीं हम लोग, लेकिन अगर कोई आता है आप फिर जाता है जाओ, अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रहिएगा काम करिएगा ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। छपरा वाली घटना जो घटी है, वहाँ पे एक घर में आग लगा दिया गया, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और पूरे घर को आग लगा दिया है। एक एक चीज को लोग देखते रहते हैं, हमारे सारे अधिकारीगण हर चीज को देखते हैं। और तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या मीडिया कर्मियों के सामने बयान दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।